अब तो सरकार ही दे, क्योंकि जब मेरे पास इतने पैसे को नहीं कि मैं दोबारा तो ये सारी चीजें कर सकूं, मैं तो खुद इतनी कमजोर हूं, मतलब 2 दिन में तो मुझे होश आया है, अब मेरे में इतनी हिम्मत को ना कि मैं जाके लाइन में खड़ी हूं और मैं लाखों रुपए उनसे सीएलयू के दूं, अब तो सरकार मेरे तक सारी चीज देवे, इधर ही बनाने की परमिशन देवे। और जिंदगी में कदे किसी कलाकार गिला या जो कल्चर ने ऊपर उठाने खातर कोई प्रयास करे है उस पर कदे आँच ना आवे, यो वादा मैंने सरकार लिखित में देवे। एडी पुलिस की फोर्स लेके आई थी और उन्होंने मेरे फोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक, मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले? मैंने उनसे पूछा, मैंने उनका ये, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फोन से, जो सोनीपत के डीसी है, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि ये डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो तुरंत मैंने एटीपी को बोला, मैंने कहा प्लीज आप यहीं रुक जाइए, आपके आप या तो ऑर्डर दिखाइए मेरी, देखिए अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है और उनके कोई ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं पांडुरंगा जी, उनके रिटर्न में ऑर्डर हैं। तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, दिखाइए मुझे, तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और सब कुछ वो 1.5-2 घंटे में खत्म करके और चले गए। मैडम जी, प्रोजेक्ट नहीं है, जिस वक्त भारतीय संस्कार और संस्कृति मिटने लग रही है, आपने एक अदना सा प्रयास किया कि मैं हरियाणा की संस्कृति को बचाऊं, लेकिन आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है जी ये, और कहना आज के दिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था। मैं हमेशा सोचा करती कि सब मुंबई क्यों जावे हैं, सब पंजाब क्यों जावे हैं शूट करने, वह लोग याडे क्यों नहीं आते। तो वो ही मैंने एक छोटा सा प्रयास करा था, क्योंकि मन ने पता है मैं एक फीमेल आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ और भी भाने इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कह रहे हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब शूट होता था उसके पैसे लगते थे या फ्री था वो चीजें? नहीं, वो चीजें हम आर्टिस्ट मतलब मिल बांट के भी कर लेते थे, और हमें अगर हमें एक, जब देखा नहीं, 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 हमें, किया, तो उसकी बुकिंग के पैसे ले तो रहे थे ना, तो मेंटेनेंस का मेंटेनेंस का तो लगता है ना भाई। जो चीजें मैंने अरेंज की थी क्या लोकेशन का नहीं, सुनो तो पहले भी तो आप परमिशन कुछ ले सकते थे, क्या गलती आपकी तरफ से भी नहीं होगी? नहीं लग रहा है, आप ये देखिए ना कि उस चीज का मतलब कमर्शियल अभी तो हमने लॉन्च ही नहीं किया था, इनॉग्रेशन ही नहीं किया था। लीगली तरीका क्या है ना, परमिशन तो लेनी होती है किसी चीज की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ की आपको लगता है कि आपसे भी गलती हुई? वाह भाई साहब, आप एक बात बताओ, मैं मेन रोड के ऊपर मकान बना रहा हूँ, जिस दिन मैं नींव रखूंगा सरकार को पता होगा ना, वो रेजिडेंशियल एरिया होता है ये। सुनो, मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, कहीं भी मैं कोई भी गलत कार्य कर रहा हूँ, सरकार की नोटिस में वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? 2 साल के बाद ही सरकार पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जो विभाग कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया, उन्होंने नहीं दिया। अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि हमने दिया। जिनकी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया होगा कि एग्रीकल्चर लैंड है, 4 बार नोटिस है, वो कोई भी कोई भी देखो जी, उन्होंने अगर अपने घराए पाड़ के घेर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो, लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा। जो जमीन है वो रेंट पर, ये लीज पे ली हुई है, कितने साल? 20 इयर्स। अभी आपने आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि डीटीपी विभाग है वो सीएलयू के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है, उसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हो? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो? ऐसा भाई, आप किस बात का जवाब मैं दूंगा? आप किसी भी, मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे इकट्ठे हुए ही हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि सीएलयू के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैं हाल फिलहाल सीएलयू के लिए घूम रहा हूँ, हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरखोदा के अंदर, उसके लिए सीएलयू के लिए घूम रहे हैं, कम से कम 2 महीने घूमते हुए बोलिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता, ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोहर मरवाने के लिए भी जाते हो, तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपए बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपए दे देते हो तो आपका काम एक सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो, लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं छिखारा साहब, उसको लेकर क्या कोई आपने मुख्यमंत्री को इस बात सर जीरो टॉलरेंस अभी करनाल के डीटीपी 1 करोड़ की रिश्वत में मिले हैं
हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस जैसा यहाँ भी हो सकता है, हम आपसे कह रहे हैं ना, यही देखिए वो तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे, जब हम कलाकार हैं ना उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा तो वो कहीं अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। बिल्कुल, और एक कलाकार हमेशा हर सरकार का नुमाइंदा होता है। अब जब सरकार नुमाइंदों को ही मार देगी तो कि फिर आप फिल्म सिटी को हरियाणा की संस्कृति को जिंदा करने सरकार ने छोड़ दी ही नहीं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रखी है। जब आपके हर शिकारा जैसे मतलब कि एक महान भाई बैठे हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि आप दोबारा ना कर सको। बिल्कुल, सारे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही मैडम जद्दोजहद वाले इंसान। क्या प्रोसेस आपने उसमें लिखा था दिया था, मैं तो ये बोला था कि हम मुख्यमंत्री तक भी अपील पहुंचाएंगे, लेटर करेंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे, देखिए अभी 4 दिन की तो सरकारी छुट्टी थी और हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और अगर हमारी बात नहीं बनी, अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ कल जी किसी और के साथ होगा, जो मेरे साथ होया है वो तो हो चुका, लेकिन मैं इतना वादा सरकार तो मैं लिखित में चाहूँ कि कदे भी कलाकार के किसी भी कलाकार के साथ यहाँ या फिर जहाँ भी हरियाणवी संस्कृति ने ऊपर उठाने खातर कोई कदम उठाया जावे तो उस पर कदे कोई आंच ना आवे। और इस यो वादा सरकार तो मैंने लिखित में चाहिए, और जो यह फिल्म सिटी है यहीं पर मैंने बनाने की, यहीं पर स्थापित करने की मैंने परमिशन चाहिए। और जितना देखो जो मेरा भावनात्मक मुझे ठेस पहुंची उसकी भरपाई पूरी जिंदगी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस हादसे को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी आंखों आगे सारी चीज हुई है, मेरी 15 साल की मेहनत, सारे लोग आवे हैं, कोई भी मतलब चैनल वाले आते सब ने पूछा जी इसने कितना टाइम लग गया बनन में, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ कि इसने बनन में 15 साल लग गए, मेरी दिन रात की मेहनत लग गई। तो जितना भी मेरा आर्थिक नुकसान हुआ उसकी सारी भरपाई सरकार करे, और जो ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं जिन्होंने मतलब ये नाजायज हरकत करी है उन सारा ने सस्पेंड करे सरकार। तो मैम आपने एक बदसलूकी के आरोपी है वो अधिकारियों पर लगाए हैं, उसको लेकर किस तरह की मुख्यमंत्री से खासकर आप नाम उनका नोटिस कर रहे हो, अंजू जून। बिल्कुल, अंजू जून और नरेश डीटीपी हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और उनको मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। और जो कि उनका मेरे पास, मैं वो भी सरकार तक पहुंचाऊंगी, कोर्ट तक लेके जाऊंगी, कि मेरे पास उनका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी है, जब उन्होंने मैंने उनको रिप्लाई कराया सारी चीज हुई तो उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा ओके कोई इशू नहीं है। इसमें डीटीपी विभाग ने कहा है कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उससे पहले सीएलओ लेनी पड़ती है। जब कमर्शियल बनाते हैं, देखो जी अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मान लो ये 5 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रही है, 1 एकड़ में मैं अपना घर भी बनाऊँ तो सरकार आके मेरा घर थोड़ी ना तोड़ देगी। यो तो मतलब होता ही नहीं किसी चीज का, किसी का भी अधिकार नहीं होता यो तो। मैडम इसको आप कमर्शियली यूज कर रहे हो, ये बात नहीं कर रही शो, फिर सरकार शो करे अगर मैं कर रही हूँ तो, नहीं बोल रही गलती होंगी नहीं, नहीं, नहीं अगर कोई भी बिलिंग हुई है या कुछ भी, आपके इंस्टाग्राम पे जाके देखिए बुकिंग के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए, सारी चीजें तो वो मेरे कलाकार साथियों के लिए था। और एक मिनट सुनो, मैंने तो अभी इसका कोई रजिस्ट्रेशन दिखाओ मुझे कि नाम, इस नाम से मैंने ये फिल्म सिटी रजिस्टर्ड करवाई है। अब हो सकता है मेरी नहीं नहीं मेरी मेरी मेल आईडी से दिखाओ वो चीजें, ऐसे तो पता नहीं कौन क्या बना देगा। वो तो पॉइंट उनकी तरफ से तो यही है ना बचाओ पक्ष की, कमर्शियल कर रहे हो आप तो फिर वो या तो वो मतलब मेरी भी मेल आईडी से दिखाई कोई भी चीज, मेरा उसमें कोई भी हाथ दिखाए किसी भी प्रकार का, या फिर किसी नाम से आदमी रजिस्टर्ड तो करवाओगा कि तो कुछ करेगा, तो वो चीज दिखाओ आप। नहीं फिर क्या कहना चाहते हो, किसी और ने किया है। अब देखो मेरा नाम एके जट्टी अनुकादान है, तो मेरे नाम के ना 200 अकाउंट फेक है, तो वो सारे मन ने तो नहीं बना रखे। अब इससे क्या कहना चाह रहे हो कि वो फेक है जो बुकिंग है? हाँ बिल्कुल फेक आपकी तो, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया था, अभी तो हमने चालू ही नहीं करी थी, बनके पूरी ही नहीं हुई थी। और जब पूरी भी हो रही हो तो सरकार ने मतलब की दिक्कत है, मतलब हम अपने कल्चर ने बढ़ावा देवे हैं, जो वो चीज उनने तोड़ दी उन तो उन्हें के दिक्कत हुआ। उनसे बात किया डिपार्टमेंट से, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन क्यों नहीं ली, ये दिक्कत। तो फिर उनने तोड़ने की परमिशन क्यों नहीं ली? अगर अगर मैं क्यों नहीं ले सकते, खाली करने का तोड़ने का नोटिस होता है ना, नोटिस होता है, तो फिर क्यों नहीं दिया उन्होंने? हमने नोटिस दिए हैं, नहीं दिए ना वो शो करे, आपने देखा नोटिस? सर बताएंगे, आपने देखा नोटिस? हमने नहीं देखा, लेकिन अब हम तो बार बार कह रहे हैं कि नहीं मिला आपका। और मतलब आप भी मुझे आप ये बताइए, मतलब आप सरकार को वो करें जो चीजें मतलब हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए की गई, आप मतलब उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं? हमने कह दिया कि वो दिखाएं, हमें दिखाएं वो। सवाल जवाब के लिए कोई प्रयास किया जाएगा मैम आपकी तरफ से?
अब तो सरकार ही दे, क्योंकि जब मेरे पास इतने पैसे को नहीं कि मैं दोबारा तो ये सारी चीजें कर सकूं, मैं तो खुद इतनी कमजोर हूँ, मतलब दो दिन में तो मुझे होश आया है, अब मेरे में इतनी हिम्मत को ना कि मैं जाके लाइन में खड़ी हूँ और मैं लाखों रुपये उन सीएलयू के दूँ, अब तो सरकार मेरे तक सारी चीज दे रहे हैं, इधर ही बनाने की परमिशन दे रहे हैं। और जिंदगी में कदे किसी कलाकार गिला या जो कल्चर ने ऊपर उठाने खातर कोई प्रयास करे है उस पर कदे आँच ना आवे, यो वादा मैंने सरकार लिखित में दे रहे। Thank you.